मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में शिकारा से रामटेक के मध्य नई बड़ी लाइन को स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रयासरत संस्था रेल विकास समिति को महत्वपूर्ण बैठक विगत शनिवार 1 जुलाई को डुंडा सिवनी के लान में आयोजित हुई। विकास समिति के मीडिया प्रभारी विपिन शर्मा ने बताया कि इस बैठक में मुख्य रूप से शिकारा रामटेक रेल लाइन की मांग को प्रमुख रूप से उठाए जाने हेतु विस्तृत रूपरेखा और जन आंदोलन की तैयारी के विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही वर्तमान समय में सिवनी में संचालित रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधा व सुरक्षा जो कमियाँ हैं उनके निदान हेतु प्रयास करने की बात भी शामिल की गई। बैठक में सिवनी शहर के गणमान्य नागरिकों एवं विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया एवं नवीन रेल लाइन की मांग के लिए जन आंदोलन हेतु अपनी राय रखी। इस बैठक में सिवनी के विभिन्न अंचलों से लखनादौन, धूमा, छपारा, सिवनी, गणेशगंज, गोपालगंज आदि में सक्रिय विकास समिति के सदस्यों व पद अधिकारी व जागरूक नागरिक भी शामिल हुए। बैठक में उपस्थित लोगों द्वारा अपने अपने वक्तव्यों के माध्यम से आंदोलन को सक्रिय रूप से चलाया जाने हेतु सुझाव प्रदान किया, जिनमें मुख्य रूप से शिकारा सिवनी रामटेक लाइन हेतु सिवनी जिले के दोनों सांसदों से लाइन स्वीकृति हेतु प्रयास किए जाने हैं का दबाव बनाया जाना, इसके साथ ही जिले में सक्रिय राजनीतिक दलों से मिलकर इस लाइन हेतु प्रयास किए जाने का आग्रह किए जाने का निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जल्द ही दिल्ली जाकर केंद्रीय रेल मंत्री इस कार्य के लिए वर्तमान जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों की मदद से मुलाकात कर विकास के लिए जरूरी इस नए ट्रैक को स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए चर्चा की जाएगी, जनता में जागरूकता लाए जाने हेतु अभियान चलाए जाने का सुझाव प्राप्त हुआ। रामटेक सिवनी शिकारा लाइन को विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव में प्रमुख मुद्दों के रूप में शामिल करवाया जाना, अलग अलग स्थानों पर मीटिंग के माध्यम से लोगों को जोड़े जाने का सुझाव एवं अलग अलग यात्राओं के माध्यम से जनमानस तक इस मांग को व्यापक रूप से पहुंचाने का प्रयास करने का सुझाव आया एवं इस हेतु सोशल मीडिया में व्यापक कैंपेन और पनिलेट आदि माध्यमों से का प्रयोग करने का सुझाव प्राप्त हुआ। इस दौरान शहर के अलग अलग राजनीतिक दलों और गणमान्य नागरिकों द्वारा इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने की बात रखी गई। रेल विकास समिति द्वारा आगामी दिनों में इन सुझावों पर विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर जनमानस के बीच प्रसारित करने की बात पर बैठक के अंत में सहमति बनी। समिति के विस्तार करने का प्रस्ताव भी हुआ। इस बैठक में समिति के घनश्याम सनोफदिया, दीपक मेहंदिरत्ता मुनिया टांक, नवेंदु मिश्रा, सुदर्शन गोल्हानी, नरेंद्र अग्रवाल, मनीष केशरवानी, हरीश जैन, अंचल चौरसिया, सत्यम सूर्यवंशी, मुकेश चीकू सक्सेना, राजा मुबिन खान, राजेश साहू, मोनू पाराशर, राज कश्यप जी, किशोर सनोडिया, नरेंद्र तिवारी, कपिल परते, चेतन गांधी, नीरज जैन, मनीष गौर, राजेश विश्वकर्मा, दीपक श्रीवास्तव, ललित भोजराज मदने, विशाल कश्यप, जितेंद्र मिश्रा सहित श्रीमती मनीषा चौहान व श्रीमती अन्नपूर्णा मालवी उपस्थित रहे। इस लक्ष्य की प्राप्ति हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, जिससे हमारे सिवनी जिले का जो अहम विकास से अछूता है उसकी प्राप्ति हमारे जिले को और जिले की जनता को हो। और इस रेल सुविधा बढ़ने से हमारे जिले में कहीं ना कहीं रोजगार के माध्यम भी बढ़ेंगे और इससे आगामी वर्षों में हमारे जिले में जो है फैक्ट्रियां हैं और रोजगार के अन्य जो भी माध्यम हैं उनकी सुविधाएं हमारे जिले में बढ़ेंगी। जैसा कि विगत वर्षों से इस मांग को हमने पुनः हमारे वरिष्ठों ने भी किया है और साथ ही हमारे युवा साथियों ने भी किया है, लेकिन कुछ उसमें हमें नतीजे नहीं मिले। पर अब हम इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाकर इस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। इन्हीं के साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ट्रकों के माध्यम से जो होता है वो दोगुना पड़ता है, हमारा सफर भी दोगुना पड़ता है। लखनऊ से सिवनी का 100 रुपए किराया, ट्रेन में मुश्किल से 25 रुपए लगेगा, तो रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसे नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, हम लोग भी गए थे उस बैठक में।
उन्होंने खुले मन से घोषणा की थी स्वामी जी के शिष्य थे स्वरूपानंद जी के, उनके निर्देश पर उन्होंने घोषणा किए थे कि राम श्री धाम से रामटेक। लेकिन उसका सर्वे ऐसा आधे गांव की तरफ से ऐसा अंदर से हुआ रहा। 100 करोड़ रुपए उस समय मिले भी थे बजट में, लेकिन उसके बाद से वो टाइट हो गया और हम लोगों ने 3 डेलीगेशन ले जाके उसके ज्ञापन भी दिए। उसमें आशुतोष वर्मा जी भी लगे रहे। हम लोगों ने काफ़ी लिटरेचर इकट्ठा किया था गांव गांव सरपंचों के, जनपद सदस्यों के, सरपंचों के, जिला पंचायत के, और बहुत सा उसका पूरा नज़रिया नक्शा बना के और एक पूरा फोल्डर ले जाके दिए थे। लेकिन वो उसके बाद से सरकार बदल गई और वो आज अधूरी पड़ी है। आज वो हमारे मौके की नहीं है। गोटे गांव रामटेक जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हमारे लिए फ़ायदेमंद जब से ये बड़ी लाइन पावर प्लांट वालों ने 300 करोड़ जमा किए, तो ये घनसौर जबलपुर से जो घनसौर लाइन है वो बड़ी लाइन हो गई, तो हमें उसमें कुछ करना नहीं पड़ा। तो हमारे किनारे में 30 किलोमीटर लखनऊ से बड़ी रेल लाइन का संचालन है। अब यहाँ से सिवनी से छिंदवाड़ा तरफ से भी बड़ी रेल लाइन का संचालन, बड़ी रेल लाइन डालने से हो गया, ये भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। यदि मान लो सरकार का ये है कि शिकारा से रामटेक तक की दूरी के लिए बजट नहीं दे सकते, तो अभी तो सिवनी तक तो जोड़ा है वो कम से कम, तो भाई छिंदवाड़ा भी नागपुर, क्योंकि 25 जिलों का आदमी नागपुर जाता है स्वास्थ्य को लेकर, चाहे वो 4-व्हीलर करना हो, चाहे बस से सफर हो, मतलब उसका कचूमर निकल जाता है आने जाने में। गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है, 2 रुपये मायने रखती है। आप एक गरीब के पास व्यक्ति देखें, वो 5 रुपया भी अपनी खुटी में खोच के रखता है, उसके लिए बहुत बड़ी ताकत है 5 रुपया। पैसे वाले लोगों के लिए भले उसका मायने ना रहे कि 100-200 रुपये खर्च हो गए, ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो अभी हम ये चाहते हैं कि सिवनी तक तो जोड़े कम से कम, सिवनी तक बड़ी लाइन है और यहाँ से कारा तक, तो ये ट्रैक यदि छिंदवाड़ा पर से भी अभी जोड़ता है तो हम कम बजट में, और ये मांग हमारी अल्प समय में पूरी हो सकती है। फिर भले ही हम उसको कोराई होते हुए सीधा अगली लड़ाई, अभी हम सिवनी तक की भी बात करें इसके लिए तो बहुत सारी बात है, क्योंकि लंबा बजट तो सरकार दे नहीं पा रही, क्योंकि ये छोटी लाइनें जितनी डली ये सब अंग्रेजों के समय की हैं, कोई 200 साल पुरानी, कोई 250 साल पुरानी। अंग्रेजों ने जो कर गए वो हमारी भारत सरकार नहीं कर सकती जिस मजबूती के साथ, वो यहाँ पे उनका कोई लक्ष्य नहीं था, उनका लक्ष्य था शिकार खेलना और ये बालाघाट को जोड़कर अपरा को तांबा और इसकी उसके लिए और कोयला के लिए, ये 3-4 उनके लक्ष्य, इसलिए वो छोटी लाइन डाल के उनने बालाघाट से जबलपुर जोड़ा था। और वो अब इतने सालों बाद, करीब 150 वर्षों बाद अब वो बड़ी लाइन हुई है। ये यही हमारा विकास का नज़रिया दिखता है कि सरकार कितनी नज़रिए से कार्य करती है। बड़े महानगरों में अरबों रुपए का बजट दे देगी, चाहे भोपाल, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बड़े महानगरों में, लेकिन एक साल का बजट यदि वो रोक के जो गांव-गांव जैसा ये प्रधानमंत्री सड़क योजना है, 4 लाइनें हैं, ऐसी यदि रेल के लिए बजट दे गवर्नमेंट तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक साल विकास रोक दे, लेकिन दबाव के कारण बाहर महानगरों को लंबा बजट मिल जाता है और हम जहाँ तहाँ पिछड़े हुए। हमने वो सुरेश आंगड़े जी थे रेल राज्य मंत्री, हम लोग गए हुए थे, आप सभी यहाँ में से बहुत से लोग गए हुए थे और उनको ज्ञापन की कॉपी दे के आए थे। उसमें फगन सिंह कुलस्ते जी भी गए थे और मानी ढाल जी भी गए थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया सर्वे के लिए, और आपको लेकिन वो कोरोना में उनकी डेथ हो गई और वो फाइल वहीं पे दब गई। उसके बाद से कोई पहल नहीं हुई और कोई ऐसी कि 2-3 साल कोरोना से कारण भी हम कोई कार्य कर नहीं पाए और हमारे इसको गति नहीं दे पाए। हमारी शिकारा में भी हमने बैठ के किए, धुआं में किए, छपारा में किए, सीएमवी में किए, यहाँ पे कोराई में किए और खबासा में,
और सिवनी में तो खैर निरंतर बैठकर होती रहती हैं, और यहाँ के सम्मानित साथी निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं कि इस मांग को और इस आशा को जिंदा रखे हुए हैं। उनके लिए बहुत बड़ी बात है और हम तो उनके शुक्रगुजार हैं कि हम कम समय में आ पाते हैं। अभी हम काफ़ी दिनों बाद इस बैठक में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हम इस संघर्ष की लड़ाई में तन से मन से धन से आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। और क्योंकि मनुष्य को निश्चित रूप से एक गिलहरी का स्वप्न देख के कार्य करते रहना चाहिए। राम सेतु बन रहा था तो बड़े बड़े योद्धा उसमें पुल बांधने में लगे हुए थे, बानर लोग, गिलहरी भी एक एक रेत का कड़ा डालती थी, लेकिन लोग उसकी मजाक उड़ाते थे कि क्यों डाल रही हो, कंकड़ डाल रही हो तुम्हारा क्या? तो बोले हम इसके लिए नहीं डाल रहे कि हमारे डालने समुद्र बन जाएगा, हम इसलिए डाल रहे हैं कि जब चर्चा होगी श्री राम सेतु की तो उसमें हमारा नाम भी लिखा जाएगा कि हम भी हमारी भागीदारी उसमें। तो हम सफल हों ना हों 20 साल बाद लेकिन हमारे इन साथियों का, इनके हौसलों का इतिहास निश्चित रूप से उन पन्नों में दर्ज होगा। ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम तो ये चाहते हैं कि मनुष्य को भगवान ने ऐसा हमको जन्म दिया है, यदि हमको इतना सामर्थ्य बनाया है तो हम इस शरीर से अपनी संपत्ति से अपने ज्ञान से इतना मोह ना करें, जीवन को अपने प्रसाद की तरह बांटते रहना चाहिए, अपनी योग्यता को, अपने अनुभव को, अपनी सामर्थ्यता को, अपनी सौहार्दता को और अपने धन संपत्ति को मेल बांट कर हम उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज होगा। क्योंकि ये सोने से बड़ा शरीर नहीं है, चाहे संसार के कितने बड़े राजा हो, वो सही में कितनी बड़ा योग्यता हो, कितने बड़ा पावरफुल हो, सोने से उसका शरीर बढ़ा हो, लेकिन लकड़ी में जाना है उसको। ये बात का ध्यान रख के आदमी को पुनीत काम करते रहना चाहिए और हम ये ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें सबको इतनी ताकत दे ईश्वर कि हम इस कार्य को गति दे सकें और आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक प्रश्न चिन्ह के साथ और एक स्तंभ के रूप में हमारा नाम जाना जाए। इन्हीं कड़ियों के साथ जय हिंद, जय भारत।